हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग फिफ्थ नंबर का लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन। इस लेसन में आपको जो मल्टीप्लिकेशन सीखनी है वो कुछ अलग टाइप की मल्टीप्लिकेशन है। आप लोगों को नंबर्स दिए होंगे, वो नंबर्स टेबल में अरेंज करके फिर मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को फोर डिफरेंट एग्जाम्पल सिखाने वाली हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट बात सिखा रही हूँ, ध्यान से देखो। अगर आप लोगों को टू डिजिट नंबर दिया है, फॉर एग्जाम्पल समझो 15 दिया है, तो उसे हम लोग कैसे लिखेंगे, 10+5। फिर समझो दिया है 23, तो उसे हम लोग कैसे लिखेंगे, 20+3। फिर समझो अगर 88 दिया है, तो उसे हम लोग कैसे लिखेंगे, 80+8। तो ये जो नंबर्स है उसका यूनिट डिजिट कौन सा होना चाहिए, 0। एंड वो जो पर्टिकुलर नंबर है, वो पर्टिकुलर नंबर दिए हुए नंबर के पास वाला नंबर होना चाहिए, ठीक है। फिर अगर समझो आप लोगों को थ्री डिजिट नंबर्स दिए हैं, फॉर एग्जांपल अगर 324 दिया है, ठीक है, तो उसे हम लोग कैसे लिखेंगे, 300+20+4। 300+20+4। फिर समझो अगर 556 दिया है, ठीक है, तो उसे हम लोग कैसे लिखेंगे, 500+50+6। 500+50+6। फिर अगर समझो आप लोगों को दिया है 604, तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, 600+00+4। 600+00+4, ठीक है। अभी यहाँ पे 00 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 00 लिखेंगे, ओके। तो ये जो इम्पोर्टेंट बात है वो आप लोग याद रखो। अभी हम लोग वन बाय वन एग्जांपल सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में हम लोग क्या करेंगे, टू डिजिट नंबर को वन डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। देखो 12 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अभी देखो 8 को तो वैसे का वैसे ही रखेंगे हम लोग, बट 12 को कैसे लिखेंगे, 12 इज इक्वल टू 10+2, ठीक है। तो अभी देखो टेबल में कैसे अरेंज करना है, यहाँ पे आएगी मल्टीप्लिकेशन की साइन। ये जो 10+2 है, ये 10 यहाँ पे लिखेंगे, ये 2 यहाँ पे लिखेंगे, एंड ये जो 8 है जिससे हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो 8 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अभी ध्यान से देखो मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है हमें। सबसे पहले 8 × 10 करेंगे, फिर उसका आंसर यहाँ पे लिखेंगे, फिर 8 × 2 करेंगे, उसका आंसर यहाँ पे लिखेंगे। देखो 8 × 10 = 80, 8 × 2 = 16, ओके। अभी हम लोग ये दोनों नंबर्स की एडिशन करेंगे, ओके। देखो 80+16 करना है हमें, 80+16, 0+6 = 6, 8+1 = 9, तो ये हुआ हमारा आंसर। 12 × 8 का आंसर हमें क्या मिला, 96। देयरफॉर 12 × 8 = 96, ओके। अभी हम लोग टू डिजिट नंबर को टू डिजिट नंबर से ही मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 37 × 15 करना है हमें, 37 को कैसे लिखेंगे, 37 = 30+7। 15 को कैसे लिखेंगे, 15 = 10+5, ओके। अभी चलो टेबल में अरेंज करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की साइन आएगी 30, एंड ये जो 7 है, 30 यहाँ पे आएगा, 7 यहाँ पे आएगा, ओके। 10 यहाँ पे आएगा, 5 यहाँ पे आएगा, ठीक है। अभी देखो 10 × 30 करेंगे, उसका आंसर यहाँ पे लिखेंगे, 10 × 7 करेंगे, उसका आंसर यहाँ पे लिखेंगे। 10 × 30 करना है सबसे पहले, 10 × 3 = 30, एंड ये 0, मतलब 300 आएगा, 300। 10 × 7 =
70, ओके। अभी देखो 5 मल्टीप्लाई बाय 30 करेंगे उसका आंसर यहाँ पे लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे उसका आंसर यहाँ पे लिखेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 30 देखो 5 थ्री जा 15 एंड ये 0 मतलब 150। 5 मल्टीप्लाई बाय 7 35, ठीक है। अभी हम लोग ये चारों नंबर्स की एडिशन करेंगे। देखो 300 प्लस 150 प्लस 70 प्लस 35, चलो एडिशन करते हैं। 300 प्लस 150 प्लस 70 प्लस 35, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 3 15, तो 5 यहाँ पे आएगा कैरी 1, 1 प्लस 3 प्लस 1 5, ठीक है। तो हमें आंसर क्या मिला, 555। देयरफॉर 37 मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल टू 555, ओके। अभी हम लोग 3 डिजिट नंबर मतलब 245 को 1 डिजिट नंबर से मतलब 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। 245 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 245 इज इक्वल टू 200 प्लस 40 प्लस 5, 200 प्लस 40 प्लस 5, ठीक है। 8 को बेसिक का वैसे ही रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की साइन आएगी, ये 200 यहाँ पे आएगा, 40 यहाँ पे आएगा, 5 यहाँ पे आएगा, ओके। 8 यहाँ पे आएगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 200 करेंगे उसका आंसर यहाँ पे लिखेंगे, 8 मल्टीप्लाई बाय 40 करेंगे उसका आंसर यहाँ पे लिखेंगे, 8 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे उसका आंसर यहाँ पे लिखेंगे। 8 मल्टीप्लाई बाय 200, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16 एंड ये 00, तो 1600 आएगा, ओके। 8 मल्टीप्लाई बाय 40 करना है, 8 फोर जा 32 एंड ये 0, 320, ओके। 8 फाइव जा 40, ठीक है। अभी हम लोग ये जो तीनों नंबर्स है, देखो ये तीनों नंबर्स की हम लोग एडिशन करेंगे, ठीक है। देखो 1600 प्लस 320 प्लस 40 करना है हमें, 1600 प्लस 320 प्लस 40, 0 प्लस 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 3 9, 1 वैसे का वैसे ही आएगा, ओके। तो हमें आंसर क्या मिला, 1960। देयरफॉर 245 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 1960, 245 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 1960, ओके। अभी हम लोग लास्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे जिसमें हम लोग 3 डिजिट नंबर को मतलब 709 को 2 डिजिट नंबर से मतलब 76 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 709 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 700 प्लस 0 प्लस 9, 709 इज इक्वल टू 700 प्लस 0 प्लस 9, 76 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 70 प्लस 6, 76 इज इक्वल टू 70 प्लस 6, ओके। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की साइन आएगी, 700 यहाँ पे आएगा, 0 यहाँ पे आएगा, 9
यहाँ पे आएगा, 70 यहाँ पे आएगा, 6 यहाँ पे आएगा, ओके। अभी देखो 70 मल्टीप्लाई बाय 700 करेंगे उसका आंसर यहाँ पे लिखेंगे, 70 मल्टीप्लाई बाय 0 करेंगे उसका आंसर यहाँ पे लिखेंगे, 70 मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे उसका आंसर यहाँ पे लिखेंगे। चलो मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 70 मल्टीप्लाई बाय 700 करेंगे, 77 जा 49, ये 30, ओके। 70 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 70 मल्टीप्लाई बाय 9 करना है, 79 जा 63, ये 0। अभी 6 मल्टीप्लाई बाय 700 करेंगे उसका आंसर यहाँ पे लिखेंगे, फिर 6 मल्टीप्लाई बाय 0 करेंगे उसका आंसर यहाँ पे लिखेंगे, फिर 6 मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे उसका आंसर यहाँ पे लिखेंगे। 6 मल्टीप्लाई बाय 700, 67 जा 42, ये 00 लिखा, ओके। 6 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 69 जा 54, ओके। तो अभी देखो ये जो नंबर्स है, ये जो 6 नंबर्स है इसके हम लोग एडिशन करेंगे, ठीक है। ये जो 0 है ये दोनों 0 नहीं ऐड किए तो भी चलता है, तो चलो एडिशन करते हैं। 49,000 प्लस 4,200 प्लस 630 प्लस 54, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 4 4, 0 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 5 8, 2 प्लस 6 8, 9 प्लस 4 13, तो 3 यहाँ पे आएगा कैरी, 1 1 प्लस 4 5, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आया, 53,884, देयरफॉर 709 मल्टीप्लाई बाय 76 इज इक्वल टू 53,884, ओके। तो अभी हम लोगों ने 4 डिफरेंट एग्जांपल्स सॉल्व कर लिए हैं, ये चारों एग्जांपल्स आप लोग याद रखो, प्रैक्टिस करो, मतलब आप लोगों को इस लेसन के सभी एग्जांपल्स आसानी से सॉल्व करते आएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करो, एंड अगर अब तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।